यार जतिन मुझे बोल के गया था कि वो पीयूष के घर गया है, बट मुझे पूरा पूरा शक है कि वो वहाँ पे नहीं है। तो मैं पहले पीयूष को फोन करके पूछती हूँ कि उसके साथ है कि नहीं। हेलो पीयूष, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। जतिन तुम्हारे साथ है? वो बोल के गया था कि वो तुम्हारे घर जा रहा है। नहीं तो अभी फिलहाल तो मेरे साथ नहीं है। What's up everyone? आज हम आगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं? मस्ती, चैलेंजेस और मजाक, फुल मजाक। अगर तुम उदास होगे तो खुश हो जाओगे और सैड होगे तो हंस दोगे। तो चलो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गलती से BTS मेरा मुंह से निकल गया। लड़की फोन चलाते लग रही है, देख रही है कौन सा गाना। भैया माफ कर रहा है, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हेलो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो गाइस, चाय पी लो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। घरों में चाय नहीं है, चाय नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम। बस हम जा रहे हैं नई जगह एक्सप्लोर करने। सही बोले हमारे गुल्लू भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आओ, ये लड़की कॉपीराइट आ गई यार। ना ना नहीं नहीं, तुम वीडियो ना बना दोगी आज, हैं नहीं बना दोगे तुम। तो हमें पता भी नहीं हम कहाँ जाने फिलहाल। हम बस जा रहे हैं, हम लेकिन नो आइडिया हम कहाँ पे आ चुके हैं। देखो देखो मैं गुली गुली कर दिया, हम मरेंगे तुम्हारा क्या होगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इतनी गंदी रोई हो तुम, इतनी गंदी रोई हो। गाइस गाइस, चेक माय रोलेक्स। सच में हमें कोई अंदाजा नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी बस जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पता भी नहीं हम हैं कहाँ। दिल्ली, इतना पता बस में। ठीक है दिल्ली में बातों में इतना खो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाना तुम लोग ये मत सोचना हम पे बहुत पैसा है पेट्रोल के लिए। नहीं है भाई, हाँ पैसा इतना, मैंने 60,000 रुपये का फोन 3 बार खर्च मारा। मैं अपना फोन कभी नहीं देती, पता नहीं होता ना इंसान किससे का, खासकर इस इंसान के। जेठालाल पाकिस्तान में फंस गया था, तुमने देखा? जेठालाल कौन देखता, इतनी घटिया टेलीविजन सीरीज। वो तुम्हारे बेशक जो बताओ, बेशक बेशक जो उससे तो बढ़िया है। ठीक है मैं भी जो जो तारक मेहता का चश्मा देखते हैं कमेंट में बताओ, तुम तारक मेहता का चश्मा देखते हो और तुम प्राउड हो उस चीज़ के लिए। बोले दिखे नहीं, चल दिए झूले नहीं है जिम में, पहले बता रहा हूँ ये झूले नहीं है जिम में, मैं पहले बता रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या कर देंगे? इसमें लटको, चलो चलो लटको। इसमें चढ़ गई क्या? मैंने बस ये खाया। तो वैसे हम इस पार्क में आ गए थे, पता नहीं कौन सा पार्क है, बट नेहरू पार्क है। इनको यहाँ पे फूल अच्छे लगे थे एक्चुअली, तो हम यहाँ पे जो भी लगा तुमको अच्छे लगे थे। हेलो
तो इनको यहाँ पे फूल पसंद आए थे तो मुझे नहीं आए तुम दूर जाके बोलूँगा मैं तो इनको यहाँ पे फूल पसंद आए थे तो अब हम यहाँ और दूर जाके बोलूँगा तो खींचेंगे यहाँ पे और फिर हम मैं काले क्यों लग रहा हूँ अब सही हो गया कह लो तुम तो देखते हैं कि फोटोज खींचते हैं देन निकलते हैं यहाँ से फक क्या फूक मारो एसी नहीं हूँ मैं फूक मार मुँह में कूलर नहीं लगा के बैठा मैं देखो गाइस तो हम आ गए हैं लोकेशन पे फोटो की ये देखो ये है लोकेशन मत देखो तो ये है लोकेशन फ़ोटो की चल चलते हैं फोटोज़ खींचते हैं इनकी इधर आओ दे लो मॉडल इधर आ जाओ तो इनकी फ़ोटोज़ खींचते हैं यहाँ पे ठीक है जो फूल दिखाओ दिखाओ फूल दिखाओ तो ये फूल लगाया इन्होंने तो अब हमने इनके यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले ली हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं अब तो ये हमारी फोटोज तो वो सब भी देखना आप चलो फिर मिलते हैं आगे रास्ते में टड़ा hey, what's up? बहुत अब बहुत अब बहुत अब तो अब हम जा रहे हैं तुम्हारे एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए तो वीडियो देख रहा ना देख रहा ना हम जाएंगे कुछ और खाने पीने इस स्टेट को खाना मांगता है तो चलते हैं हाँ Let's go. Go. हाँ मुँह पे मार दो मेरे मुँह पे मार दो क्यूट कर दो सारा ज़माना तो है फिर क्यों ओए होए होए वो कॉपीराइट आ गया कहाँ जा रहे हम चश्मा लगा दिया हीरोइन ड्रैगन ड्रैगन मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बस ज़ॉम्बी तो अब हम करने वाले ज़ॉम्बी से बात कर रहे हैं तो अब हम करने वाले हैं मेरे दोस्तों का लॉयल्टी टेस्ट अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे साथ होंगे या नहीं मेरे तो बहुत लेवल हैं मैं ये कॉल करेंगे मेरे दोस्तों को और बोलेंगी कि तुम देख लो एक काम करो चल तो पहले हम मिला रहे हैं मेरा जो भाई की तरह बिल्कुल एक्चुअली तीन लोगों को मिलाएंगे दिखाना चलो मिला दिया तभी नहीं उठा रहा तो गाइस हम दूसरे को करने वाले थे पर अंकित का खुद फ़ोन आ रहा है अभी तो चलो देखते हैं क्या बोलता है हेलो अंकित मैं प्रियंका बोल रही हूँ जतिन की गर्लफ्रेंड कौन जतिन अच्छा हाँ वो एक्चुअली ना जतिन ने बोला था कि वो तुम्हारे पास आया है बट मुझे ना एक वियर्ड फीलिंग है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है वो झूठ बोल रहा है तो क्या वो तुम्हारे साथ है नहीं साले भाई साहब नहीं है तो नहीं है कितना वो है भाई तो मतलब भाई को नहीं बचा सकता तू है ना अच्छे दोस्त ये होता है ये मरवाएगा मुझे तो अब हम करने जा रहे हैं विक्रांत को शायद आप लोग जानते होंगे उसे वो भी मेरा स्कूल से दोस्त है तो विक्रांत भी मेरा स्कूल के टाइम से दोस्त है तो देखते हैं उसका क्या करते हैं वो क्या बोलेगा बंदर तो बड़ा कमीना निकला यार वो बंदा कहता कि अगर साथ भी होगा तो भी यही बोलूँगा कि नहीं है विक्रांत को कर रहे हैं हम वो विक्रांत आप लोग शायद उसे जानते होंगे तो देखते हैं वो क्या कहता है हाँ उठा लेगा विक्रांत उठा लेगा लग भी नहीं रहा लग गया हेलो कौन हाय विक्रांत मैं प्रियंका बोल रही हूँ जतिन की गर्लफ्रेंड हेलो वॉइस क्लियर नहीं आ रही भाई आप बोलिए मैं प्रियंका बोल रही हूँ जतिन की गर्लफ्रेंड जतिन गुप्ता हाँ वो एक्चुअली ना जतिन ने बोला था कि वो आपके साथ है बट आई हैव अ वियर्ड फीलिंग कि वो नहीं है तुम्हारे साथ नहीं है आपके साथ ओके भाई कोई तो बचा लो भाई कोई तो बचा लो अबे यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे थे क्या मैं ऐसे काम ही नहीं करता बहुत बढ़िया चल रुक मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ठीक है हाँ
लो जी कोई नहीं बचाएगा ऐसे ऐसे बैड लक मामा रिया गुड फ्रेंड्स मामा रिया मोए कोई ना बचाएगा मैं मोए कोई ना बचा अब एक बोनस अब हम कर रहे हैं इनकी फ्रेंड को कॉल कि इनकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कि तो हम इस तरह करेंगे इनके फ्रेंड को कॉल इनकी फ्रेंड को कॉल जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है जो कि इनके साथ बचपन से है फॉर 14 इयर्स सोचो तो चलो देखते हैं वो क्या कहती है हेलो गीतिका मैं बढ़िया यार एक बात पूछनी थी क्या प्रियंका ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे पास है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी वो कह रही थी कि तुम्हारे साथ है तो पर मुझे एक वियर्ड सी फीलिंग है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या वो तुम्हारे साथ है हाँ, नहीं नहीं पक्का हाँ हाँ कमीनी गुटिया कमीनी नहीं सकती बचा नहीं सकती क्यों बचाऊं किस बात की दोस्त है तू किस बात की दोस्त है मम्मी से बहुत बताती हूँ मैं तेरी आज तक बताती आई हूँ जब बात ये चेता मुझे बात कराओ अब फिर मैं बोलूँगी वो वॉशरूम में गई है कितना बुरा सा बहाना है एक्चुअली पता है द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि सबको ये लगता है वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कपल्स एंड हैं तो अब सब यही कहते हैं अभी की दुकान अभी यही कहा क्यों बचाऊँ इससे क्यों बचाऊँ मम्मी से तो बचा दिया इससे क्यों बचाऊँ तो दैट्स इट सबको पता है कि लाइक हम सीरियस है तो हम कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते आपस के लिए लाइक चीट वगैरह हम कुछ नहीं कर सकते तो इसे कोई करता नहीं है सीन सब साफ बोल देते हैं नहीं है बाकी तुम देखो हमारे पास सुनिए भाई हाँ यार तो पीयूष का फ़ोन स्विच ऑन हो चुका है क्योंकि उसने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया जस्ट एक तो देखते हैं वो सब करता है या नहीं अब मिलाती है उसे तेज बोल हाँ हेलो हेलो पीयूष हाय मैं प्रियंका बोल रही हूँ वो जतिन ने मुझे बोला था कि वो तुम्हारे साथ है हेलो जतिन ने बोला कि वो तुम्हारे साथ है वो है तुम्हारे साथ हाँ तो वो तुम्हारे साथ है चला गया अच्छा खाने के लिए आया था अब चला गया ठीक है ओके ओके अरे मेरा भाई है मेरा भाई तू मेरा भाई है तो ये चक्कर है तू एक अकेला लौंडा जिसने बचाया है सिर्फ एक देखा मैंने कहा था ना पीयूष बचाया पता चलता है कि कभी पीयूष को पूछना नहीं है अच्छा जी हाँ कभी उसके बारे में भरोसा नहीं करना वो भी नहीं क्या जैसा है जिन पर भरोसा नहीं कर सके तो मॉरल ऑफ द क्या बोले इसे टास्क इज पीयूष पर भरोसा नहीं करना सो ये था आज का हमारा ब्लॉग अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कर रखा है वो नोटिफिकेशन नहीं आती तो नोटिफिकेशन बेल दबाओ यप और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो करो ना यार क्या कर रहे हो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ इंस्टाग्राम पे आता है तो जाओ फटफट इंस्टा पे फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करोगा तो डंडे निकालो तुम डंडे निकाल तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना यस तो तब तक के लिए टाटा और मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत जल्द yep.